ਅੰਨੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਥੋੜੋ ਸਾਰੇ ਆ गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आज मैं और हिम्मत जा रहे हैं टॉय स्टोर क्योंकि हिम्मत को एक टॉय चाहिए एंड कल हिम्मत के एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है और उसके लिए कोई प्रेजेंट लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। हस्बैंड ऑलरेडी जा चुके हैं समवेयर, वो गए हैं आज हाइक करने के लिए। आई विल आस्क हिम टू अपडेट अस समथिंग अबाउट हिज हाइक। हिम्मत की तबीयत आज बहुत अच्छी नहीं है, राइट हिम्मत? यू वांट टू शो योर क्यूट फेस टू एवरीवन? ओके, कम। सो दिस इज माय क्यूट सन, हिज दैट्स अ बिग नेम बट यस दैट्स हिज नेम। वार्म वाटर। ओके दोस्तों, जब आज हिम्मत सुबह उठा तो मुझे कह रहा है कि जब मैं ऐसे कोट पहनता हूँ तो मैं गले में पेन हो रही है, तो मुझे लगा कि शायद इसे सोर थ्रोट हो रहा होगा। सो इसने गरम गरम पानी पिया, इसे अच्छा फील हुआ एंड देन उसके बाद इसे मैंने दवाई भी दे दी है। मेरे पास एग्जैक्टली सोर थ्रोट की दवाई नहीं है, कोई रैंडम थी तो वो मैंने दे दी है। अभी सेट कि मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है पर मुझे डर लग रहा है कि बीमार ना हो जाए बेचारा। सो गरम पानी दे रही हूँ उसको मैं, क्योंकि उसे गर्म पानी दे चाहिए अभी फिलहाल। मीमी नीड सम वार्म वाटर। हिम्मत पानी पी रहा है, उसके बाद हम लोग जाते हैं। आज ना वैसे बहुत अच्छा दिन नहीं है, थोड़ा ना ग्लूमी एंड ठंडा है एंड वी डोंट लाइक इट। पर या टॉय स्टोर हमारे घर से थोड़ी ज़्यादा ही दूर है मुझे लग रहा है, पर ओ हम जा रहे हैं टॉयज आर अस। सो यू रेडी स्वीटी? सो हिम्मत इज़ वेयरिंग हिज शूज़ और हिम्मत के ये शूज़ टाइड हो चुके हैं, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो भी वो शूज़ पहन के जाता है स्कूल वो मड से भर के लेके आता है। आई डोंट नो वाई वाई मीमी, इवन दी शूज़ आर डर्टी, हमें वॉश करने हैं। मैंने सोचा था ये वीकेंड हम लोग वॉश करेंगे। ओके सो नाउ आई एम गोना वेयर माय शूज़। सो आई एम गोना वेयर माय शूज़। ये मैंने शूज़ नए खरीदे हैं, ये है माउंटेन वेयर हाउस से। ये हाइकिंग करने वाले शूज़ हैं, लाइक हाइक करने के लिए या वॉक करने के लिए। आप खूब सारी वॉक कर सकते हैं एंड जब मैं ज़्यादा वॉक करना चाहती तो ये शूज़ पहनती हूँ मैं, बहुत कम्फर्टेबल है। अगर आपको याद है मैंने आपको लास्ट किसी वीडियो में बताया था कि जब हमने हमारा घर को सेल किया था ना तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया जिस वजह से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो जब भी मैं ये शूज पहनती हूँ ना तो फिर मैं थोड़ा वॉक कर पाती हूँ, अदरवाइज मैं लंगड़ा लंगड़ा वॉक करती हूँ। एंड हेल्थ का अपडेट भी मुझे आपको देना है क्योंकि मैंने मेरे सारे टेस्ट दोबारा से किए हैं, तो वो मैं आपको घर आके दूंगी ये नेक्स्ट किसी वीडियो में। यू लाइक माई हाइकिंग शूज? आई गॉट योर फेवरेट कलर। दिस इज माय फेवरेट कलर, दिस इज योर फेवरेट कलर। ओके सो आई एम रेडी, बट अब हमें कोट पहनना है। हिम्मत गोना वेयर इज दिस सूट वार्मिंग, हिम्मत इज अ क्यूटी पाई। घर से बाहर जाना कौन सा आसान है, हजारों तो आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सर्दी जाने का नाम क्यों नहीं ले रही। व्हाई व्हाई दिस कोल्ड इज नॉट गोइंग, व्हाई दिस डम कोल्ड इज नॉट लीविंग अस। आई एम ऑल डन विद दिस डम क्लीन दैट डम विंटर। आई नो मीमी लव इट सो मच। गाइस हिम्मत ने अपना मास्क पहन लिया है क्योंकि हिम्मत बिलीव्स इन प्रोटेक्शन एंड वी हैव सो मेनी एम्प्टी सैनिटाइजर बॉटल्स जो हम गार्बेज में फेंक। मैंने हिम्मत को कहा है कि वो एक टॉय ले सकता है क्योंकि लास्ट टाइम जब हम अल्बर्टा गए थे तो हमने हमारी सिस्टर इन लॉ के किड्स के लिए टॉयज लिए थे टॉयज आर अस से, और हिम्मत भी लेना चाहता था। मैंने कहा कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इतना बड़ा कोई भी हमारे पास जगह नहीं है कि हम तुम्हारा टॉय लेके जा पाए वापस टोरंटो। सो उसने पिद्दी पिद्दी चीज़ें ली थी जो हम ट्रैवल में एक लेके आ पाएँ टोरंटो वापस। सो आज मैंने उसे कहा कि वो एक टॉय ले सकता है, वो भी वही वाला जो स्पेशल पे होगा। तो बेचारा ढूंढ रहा है हर गली गली में घूम रहा है कि क्या लूँ। सो यार मैंने सोचा कि एक ले देते क्योंकि बहुत समय हो गया कि उसे मैंने कोई भी टॉय लेके दिया नहीं है। सो ही कैन बाय वन।
अभी वो चूज कर रहा है कि वो क्या खरीदे. सो बहुत ही ज्यादा कश्मकश में चल रहा है वो. उसकी जिंदगी बहुत उथल पुथल हो रखी है कि क्या लूँ क्या ना लूँ. सो यार देखते हैं वो क्या लेता है. ओके तो हिम्मत अपने लिए कोई टॉय पसंद कर रहा है. ओके मैं एक बात बताना चाहती थी आपको कि हिम्मत की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जब वो टॉय स्टोर में आता है ना तो उसे मैं कहती हूँ कि तुम एक तोहफा ले लो अपने लिए, लाइक एक टॉय ले सकते हो. तो वो तभी लेता है जब उसे रियली अच्छा लगे. वो सिर्फ मैंने उसको कह दिया कि ले लो फिर वो कुछ भी लेता नहीं है. बहुत बार ऐसे होता है कि वो खाली हाथ टॉय स्टोर से जाता है पर वो ऐसे कुछ भी ले नहीं लेगा कि मम्मी पैसे खर्च रही है कुछ भी ले लो. दैट्स वेरी नाइस कि अगर उसे कुछ पसंद आए तभी लेगा, नहीं तो खाली हाथ भी जा सकता है वो स्टोर. नहीं तो बच्चे को टॉय स्टोर से खाली हाथ लेके जाना इज़ अ वेरी वेरी बिग डील, क्योंकि उसे होता है कि कुछ तो ले लो. फाइनली हिम्मत को कुछ पसंद आया है जो उसके पास ऑलरेडी है. बट आई डोंट नॉट हैव दिस वन. या सेम नहीं है बट यू हैव सो मेनी गन्स. ओके इट लुक्स सो कूल. A plus perfect just for me. Guys, this gun is so cool. I'm getting it. Now we go. ओके वेट करिए तो कार आ गई है. ओके दोस्तों तो हम लोग डन है टॉयज आर अस से. हमें तोहफे मिल गए. डेफ फाइनली हिम्मत को भी कुछ मिल गया है. एंड नाउ हम जा रहे हैं टिम हॉर्टन्स खाने के लिए क्योंकि हम घर से कुछ ज़्यादा खा के नहीं आए और हमें बहुत भूख लग रही है. हम घर पे भी जाके खा सकते हैं पर मैंने सोचा कि मेरी और हिम्मत की डेट चल रही है तो हम यहाँ पे बैठ के आराम से खाएंगे. और हमने हमारी गाड़ी भी लेके नहीं आया, उधर ही खड़ी है. हमने सोचा वॉक करते हैं. राइट माई डेट, I love these beautiful dates with you. You're so fun. Though you're my enemy, I forgive all the harm you've done to me. You just have to order. So lunch. How's it? Forgive all the harm you've done to me. ओके सो मैंने ली है कॉफ़ी एंड मैंने मेरे लिए लिया है बेगल एंड उसमें हमने ऐड कर लिया है लेटस एंड टमेटो. और मेरा फेवरेट बेगल मुझे मिला नहीं है हेलोपीनो. मैंने लिया है एवरीथिंग एंड हिम्मत पी रहा है सूप. हिम्मत को टिम हॉर्टन्स का सूप काफ़ी अच्छा लगता है. हिम्मत गोना ड्रिंक दैट एंड ब्रेड खाएगा वो एंड शायद उसके गले को सूप भी करे. सो ही इज़ लविंग इट. सो डैडी इज़ नॉट होम येट क्योंकि वो अपने दोस्त के घर चले गए हैं लंच करने के लिए. एंड वी गोना ओपन हिम्मत्स टॉय. आई कट इट, हिम आई गोना ओपन इट. मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. आप कहाँ थे जब हम घर आए? ओके लेट मी शो यू. ओके दोस्तों तो ये जो बंदा है ये है मेरे पति और ये गए थे हाइक करने के लिए. हाइक की 9 किलोमीटर. उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए. ये 9 किलोमीटर की जो कैलोरीज हमने लूज़ की है उसे तिगना चुगना करके कैसे पूरा किया जाए. तो ये गए महाशय अपने दोस्त के घर. वहाँ पे खा गया है पूरियाँ छोले कड़ा. ते
2000 कैलोरीज खा के आए, 300 लूज कीती हैं। सो इसका लॉजिक हमें समझ में नहीं आया सर। यार 9000 कैलोरीज लूज हुई हैं यार। 9000 नहीं आए तो डियर मर के 350 कैलोरीज लूज हुई हैं। ओके दसो हुन मेनू की लॉजिक की ही गए हाइक करन दा जे पूरियां छोले कढ़ाई खाना। मेरी गल सुन, पापी पेट को कंजका लैंगड़ा बन के कंजका खाया ने। मैं क्या पापी पेट नु भूख तो लगदी नहीं। तो ये मेनू क्या है कि मैं ओट्स पेंक के जावा, मैं ओट्स खाऊंगा। पापी पेट पूरियां क्यों मांगदा यार? कदे हुन लक्ष्मी जी आंदी होवे तो उनु रोकदा नहीं ना। ओदा ही जे कोई पूरी आंदी होए तो मैं नहीं रोकदा। लेट इट कम, लेट इट कम। ओए दोस्तों तो पूरियां खा के बेचारे फिर कहंदे कि हुन मैं सो लेना 2 घंटे। पहला अदरक दी चाह पिला प्यारी जी, फिर मैं सोऊंगा। शाम नूं फिर मेरे खान दा प्रबंध कर। ओके सो हस्बैंड खा के आए पूरियां छोले और अब उनको चिंता है कि राती की खावांगे। लाइक खान ली चिंता रहंदी सारा दिन। वर्कआउट क्या करना शुरू किया है और ज़्यादा खाने में डीप घुस चुके हैं मेरे पति। उन कहने मेरे प्रोटीन दा कुछ बना दे। ओके विल सी व्हाट वी कैन मेक फॉर हिम। हिम्मत वहाँ पे ना कुछ काम कर रहा है, वो ना कार्डबोर्ड का घर बना रहा है। उसे ना बहुत आजकल मज़ा आ रहा है DIY चीज़ें करने के लिए। सो उसे मैंने ना ये लंबे लंबे काट के दिए हैं तो वो कुछ बना रहा है। वो जब बना लेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी अगर सक्सेस हुआ तो, क्योंकि कई बार वो बनाना शुरू करता है सक्सेस नहीं होता तो फिर वो छोड़ देता है। होपफुली ये सक्सेस होगा। ओके दोस्तों तो कुछ देर पहले मुझे थोड़ा ना एंग्जाइटी अटैक हो रहा था। एंग्जाइटी हो रही थी बहुत बुरी। तो पति ने मैं कहा कि मेरी हेल्प करो किसी तरह। कह रहे कि मैं कैसे हेल्प करूँ, मैं तो खुद ही एंग्जाइटी हूँ। कह रहे कि हिम्मत दी हेल्प ला, पर मैं हिम्मत की हेल्प नहीं लेना चाहती क्योंकि हिम्मत को सोर थ्रोट है। अगर मैं उसे हगी पुच्ची करूँगी तो वो वायरस मेनू भी मिल जाएगा। हिम्मत ने सूप पीता वाओ अज टिम हॉटन से, तो मैं ना सूप नहीं शेयर किया क्योंकि हमें फिर बाद चो मेरा भी गला खराब हो जाए क्योंकि यदा बहुत दुखन लग पाया है। मैंने कहा कि अदरक वाली चाय पियो, खुद पियो। कहते कि मैं तुम्हारी एंग्जायटी सही करता हूँ, जा बाहर जाके सैर कर। और फिर कहते कि मैं तुम्हें बहुत मजेदार चाय बनाता हूँ। और मैंने थोड़ा ठीक फील होना शुरू हो गया तो कहने तू भी बना ला फिर। कि अगर मैं चाय बनाई फिर मैनू आप एंग्जायटी होगी। ओके सो हम हैं अपस्टेयर्स, हम मतलब मैं। ओके सो मैंने प्लान बनाया है थोड़ा सा आराम करने का। आई डोंट नो आराम कर पाऊंगी मैं या नहीं। सो हस्बैंड आए हैं पूरियां छोले खा के मेरी दोस्त के घर से। एंड मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डिनर में क्या खाएं। देखते हैं थोड़ी देर में कि क्या खाना है। सो इस बंदे ने अपनी नींद पूरी कर ली है पूरियां छोले के बाद वाली। इन दोनों को मैं पूछ रही थी कि की खाना है डिनर के, हस्बैंड की खाना डिनर के लिए। कुछ स्वादिष्ट हो जाए आज, मैं सोता नहीं नींद नहीं आई। क्या खाना है तो हिम्मत कह रहा कि मम्मी प्लीज कुछ हेल्दी बनाना, मैं कुछ अनहेल्दी नहीं खाना चाहता। तो मैंने कहा कि तुम सजेस्ट कर दो कि क्या खाना है। कहना हाउ आउट कुरकुरे। व्हाट कुरकुरे? कुरकुरे की प्लांट ते लग गया। हाउ कुरकुरे इज हेल्दी? कुरकुरे इज सुपर अनहेल्दी। सो फिलहाल मेरे घर में क्या चल रहा है, मैंने वीडियो को एडिट करना शुरू कर दिया है जो मैंने आज शूट की है क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जल्दी से अपलोड कर दूँ क्योंकि मैं रूटीन बनाना चाहती हूँ। एंड हिम्मत तो टीवी देख रहा है क्योंकि उसकी फेवरेट मूवी कोई टीवी में आ गई है तो बहुत ज़्यादा खुश है। हस्बैंड अपस्टेयर्स हैं और डिनर में क्या बनेगा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। पर मैंने सोचा है कि हस्बैंड को कहेंगे कि कुछ प्रिपेयर करें आज, क्योंकि मेनू भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या खाना चाहती हूँ। मुझे इतना हंगरी भी फील नहीं हो रहा है एंड है भी आई डोंट नो। सो बाद में देखते हैं। आई होपफुली मैं आपको दिखा पाऊँगी कि मैंने क्या खाया इस व्लॉग में ही डिनर। एंड कुछ नेटफ्लिक्स पे देखने वाली हूँ मैं और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है क्या देखूँ और मुझे कुछ भी इतना अच्छा लगा ही नहीं है। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे ना मुझे तो प्लीज़ सजेस्ट करना कि मैं क्या देखूँ। मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है, मुझे सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर नहीं आजकल मैं देख रही हूँ। सो मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि मेरा टेस्ट कैसा है। प्लीज़ कुछ ना कुछ सजेस्ट करना, मैं देखना चाहती हूँ। एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या देखूँ। नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे या कहीं पे भी अगर आपके पास कुछ सजेशन है देना मुझे।
हाय दोस्तों, तो अब हम हैं कार में, हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, मैं हिम्मत के साथ पीछे इसलिए बैठ। सो हमने डिसाइड किया कि हम बाहर खाते हैं, पर हिम्मत ने कहा कि मैं बाहर जाके खाना नहीं चाहता, मैं घर पर रहना चाहता हूँ। देन हमने सोचा कि टेक अवे करके पिकअप ऑर्डर करके पिकअप कर लेते हैं, तो तभी तो हमें जाना ही पड़ेगा पिकअप करने के लिए। और मैंने कहा कि हम भी डैडी के साथ चल रहे हैं पिकअप करने के लिए। हिम्मत ये रहा कि एक की शर्त पे मैं जाऊँगा अगर तुम मेरे साथ पीछे बैठोगी तो। पर अब हम जा ही रहे हैं तो हमने सोचा कि घर आके क्यों खाना। हिम्मत का मन चेंज हो गया, वो कह रहा कि यार बहुत समय लगेगा घर वापस आने के लिए, सो अच्छा है कि हम वहीं पर बैठ के खा लेंगे। सो हम लोग जा रहे हैं ऑलिव प्रेस, काफ़ी समय हो गया हम गए नहीं। हमारा ऑल टाइम फेवरेट इटालियन है वो, लाइक इट फील्स लाइक होम, है ना वो। और मेरे प्यारे पति इतनी पढ़ाई करेंगे कि इनको मेन्यू का पेपर दवा लो बाद में। ओके, मुझे पता है कि मैं क्या खाना चाहती हूँ, तो मैं वही खाने वाली हूँ। हस्बैंड डिसाइड कर ले कि उनको क्या खाना है, वो शायद कुछ डिफरेंट खाएं। और आज हिम्मत सेपरेट नहीं खाएगा, हमारे साथ ही शेयर करने वाला है, राइट मीमी? तो उसे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है। सो जल्दी से ऑर्डर करते हैं। और तो ये ऑर्डर खाना तो मैंने डिसाइड कर लिया हस्बैंड के साथ बैठने के लिए, क्योंकि दूर से ना गप्पे नहीं लड़ रही। तो हम खाने वाले हैं कैलामारी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, पर यहाँ एवं ही खा लेते हैं कभी। Contestar, yo sé que eso está mal y me cuesta aceptarlo, pero lastimas, me lastimas, y es la verdad. Me cuesta aceptarlo, pero bebé, tú lastimas, es la verdad. Baby, es la verdad. Me cuesta aceptarlo, pero tú a mí me lastimas. ओके, सो हमारा फूड आ चुका है, हमने मंगाया है सेम पास्ता जो मैं हमेशा खाती हूँ। पिज़्ज़ा आज हम डिफरेंट खाने वाले हैं, ये पर्शियन चिकन पिज़्ज़ा है। सो वैसे ये अल्फ्रेडो सॉस में बनाते हैं, हमने उनको कहा कि हमें टमेटो सॉस अच्छी लगती है, तो यार दैट्स इट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं खाने के लिए, पर अभी मेरी चिली फ्लेक्स नहीं आई है एंड मेरा पैरामेशन चीज़ नहीं है, सो उसकी वेट करूँगी मैं एंड देन मैं खाऊँगी। कि वैसे मैं चीज़ डाल के खाना चाहती थी, बट चीज़ आने के लिए समय लगेगा, सो समय लगेगा। एंड हस्बैंड सोच रहे हैं डिज़र्ट के लिए की खाता जाए। ओके, हम लोगों ने खाना खा लिया है और हमसे फिनिश नहीं हुआ, तो हमने डब्बों में पैक कर लिया है एंड अब हम स्लीपी हैं, घर जाने वाले हैं। एंड हस्बैंड कुछ बहुत ही प्यारे वर्ड्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो हस्बैंड एक्चुअली डिज़र्ट खाना चाहते थे, पर उनके पास वो वाला डिज़र्ट है नहीं जो वो खाना चाहते थे। ओके, सो वी आर रेडी टू गो होम। सो यस दोस्तों, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। यू गाइस अ ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। वी गाइस कैन डू एनी फेकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बाय, लव यू।